जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, वह स्पष्ट कहता है हिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी परमानंद जी ने भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना के समय कहा था, किया था कि अहिंसा परमो धर्म जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, तीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करिए, सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर भी हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के।